हाय दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। मैं माया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और बताइए कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पे देखिए, आज मैंने येलो ड्रेस पहना हुआ है और मतलब येलो ड्रेस पहनती हूँ गुरुवार को। और आज का दिन कौन सा, गुरुवार का दिन है, पूजा पाठ हो चुका है। देखिए तिलक चंदन वगैरह देख सकते हैं। और पूजा पाठ हुए ना काफ़ी टाइम अभी हो गया, मतलब एक घंटा शायद हो गया होगा मुझे। और अभी कितना 8 बज रहा है, 8 या 8:30 शायद ऐसे बज रहा है। और ये पूजा बहुत ही सुबह टाइम हो जाती है, मतलब 6 बजे से मैं बैठ जाती हूँ 6 से पूजा करने के लिए, और 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो हमारी 8 साढ़े 8 बजे पूजा हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, आज गुरुवार का व्रत हम रहते हैं ना, यहाँ पे बैठ के यहीं पे पूजा करते हैं। तो पूजा पाठ हो चुकी है, यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को नहला के उनका भी पूजन कर लिया है। और बहुत देर की पूजा हुई है ना, तो इसलिए दीपक वगैरह भी बुझ गया है। और ये देखिए, और आज मेरा कौन सा गुरुवार है, आज शायद मेरा 4th गुरुवार है। और मैंने 16 गुरुवार करने के लिए मैंने बोला है, 16 गुरुवार का व्रत मैं करूँगी। और येलो साड़ी मेरे लिए, आज देखिए अचला वाली मैंने साड़ी पहनी हूँ। यहाँ पे बच्चे के लिए बना रही हूँ क्या, परेठा सेक दूँगी। ये देखिए यहाँ पे परेठा मैं सेक रही थी, मैंने सोचा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, तो बस बच्चों के लिए परेठा सेक देती हूँ। और थोड़ा सा मैं आलू फ्राई कर दूँगी, नहीं तो टोमेटो सॉस में यदि ले जाएंगे तो ले जाएंगे, तो आलू फ्राई करके उसी में टोमेटो सॉस डाल के उनको दे दूँगी। तो परेठा मैं बना रही हूँ, घी का परेठा बना रही हूँ, क्योंकि आज के दिन तेल का परेठा वगैरह ना ही खाते हैं साथ ना ही खिलाते हैं। डालडा का बनाई दे रही हूँ और दिखा रही हूँ साड़ी के लोग, देख लीजिएगा आप। ये देखिए मैंने आज अचला, ये देखिए सीधा करके मैंने साड़ी पहना हुआ है, ये सीधा सीधा पहना से। चलिए फटाफट से हम और परेठा निकाले ले रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने 2 या 3 बनाया। गाय के लिए तो पहला होता है निवाला, और गाय के लिए जो हम लोई बनाते हैं उसको मैंने दे दिया पूजा करने के बाद ही। गाय दरवाजे में गाय माता खड़ी थी तो मैंने दे दिया, नहीं तो फिर क्या चींटियां आक्रमण कर देती है ना, इसलिए। तो फटाफट से परेठा इसलिए बना लेते हैं। तो अभी तो हम ये गोल वाला ही परेठा बनाते हैं, ये ज़्यादा ईजिली पड़ता है इसलिए, नहीं तो वैसे 3 कोने वाला परेठा बनाते हैं उसको भी बना देती हूँ, जो बच्चों को खाने में मन हुआ जो वही कर देती हूँ। और फिर चलिए परेठे बनाने के बाद बनाऊँगी चाय, क्योंकि अभी कुछ खाने का मन नहीं, लेकिन पीने का मन करता है क्या सुबह सुबह की चाय, तो गर्म पानी तो पहले हो जाता है। और देखिए इस टाइम ना, और आज सुबह सुबह पानी गिरा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो चलिए फिर बात करते करते बना लेते हैं परेठा। बस मैंने बच्चों को लोग कर लंच रेडी कर दिया है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो आप लोग के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो क्या बात है कि आज गुरुवार है ना, गुरुवार के दिन एक काम ज़रूर करना चाहिए। तो गुरुवार के दिन ना आप घर के सभी सदस्यों के, बड़ों से लेकर बच्चों तक के मस्तिष्क में हल्दी का टीका ज़रूर लगाइए। इससे क्या होता है, इससे बहुत ही लाभ होते हैं, जरूर ही लगाइए। आप लोग को इसका लाभ बहुत जल्द ही समझ में आएगा। जो हमारे काम हैं, जो बिगड़े काम हैं वो भी बनते हैं, और जो हम काम करने जाते हैं वो भी हमारे काम सिद्ध होते हैं। ये काम जरूर करना चाहिए, और ये कोई काम अलग से कहीं लाना नहीं है, कहीं लेके जाना नहीं है, कुछ अलग से कहीं लोग घर का ही है। तो हल्दी का तिलक जरूर से जरूर आप लोग लगाइए, हो सके ना तो हल्दी और केसर मिला के, थोड़ा सा केसर एक मिला लीजिए 2 धागे और उसका लगाइए, तो बहुत ही लाभ होते हैं। और ये देख रहे हैं टीका कैसा फैल गया है। तो चलिए फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे, इनको जाना है दुकान, तो इनके कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ। तो बस ये कपड़े हैं ना जो, तो मतलब बिना प्रेस, ये है तो जीन्स लेकिन ये अलग टाइप का जीन्स है, तो ये बिना प्रेस करे ये पहने लायक नहीं रहता, तो प्रेस कर दे रही हूँ। और फिर बस ये भी अब दुकान के लिए जाएंगे, तो बस मैं बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी कर लेती हूँ प्रेस वगैरह। तो
तो इनका मनाया गया मुझे टी शर्ट नहीं पहनना, बस मैं टी शर्ट और ये वाला जींस का ट्राउजर पहनना है। तो बस मैंने कहा चलो फटाफट से कर दे रही हूँ प्रेस, तो चलिए कर देते हैं कपड़ों में प्रेस। और ये गुरुवार का ही आज का ये वीडियो है, और ये पता नहीं ये वीडियो आज जाएगा या कल जाएगा, पता नहीं आप लोग के पास कब पहुँचेगा। टाइमिंग कितना हो रहा है ये देखिए, कितना बज रहा है, 12 बज चुका है। और जो भी काम वगैरह हो चुका है, और मैंने चाय भी पी लिया है, चाय पी लिया, थोड़ा सा पपीता खाया है। और एक बात और खुशी की बात है, कौन सी खुशी की बात है मैं बताती हूँ आप लोग को। तो आज क्या खुशी की बात है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, कौन सी बात बताती हूँ। तो मैंने बताया था ना कि मम्मी पापा जी हमारे तीर्थ यात्रा पर गए थे, तो वो आने वाले हैं, तो मतलब शाम तक में शायद आएँ या कल सुबह तक में, तो मतलब वही लोग आने वाले हैं। एक महीना का टूर था और बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, और जैसे यात्रा करने गए थे तो बढ़िया यात्रा मंगलमय रहा, बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके लिए बहुत ही खुश हूँ कि मतलब एक गए थे 4 तारीख को, लेकिन 1 तारीख को आ रहे हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मम्मी पापा से मिलने की इच्छुक हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फिर वहाँ का जो वीडियो होगा तो देखती हूँ, शूट करूँगी, आप लोग को दूँगी कि हम लोग कैसे उनका वेलकम करते हैं, ठीक है। और ये देखिए 2 माले पहन लेते हैं, तो ये पता नहीं कैसे रख जाते हैं दोनों। ये इस टाइम पे ये छोटा वाला पहन रही हूँ, बड़ा वाला मैंने उतार दिया है, मंगलसूत्र ही छोटा वाला पहन लेती हूँ। और ये धागा पहनी हूँ ना कहीं का। सो गाइस, ये 3 से 4 बजे के बीच का वीडियो है, तो यहाँ पर मैं महावर लगा रही हूँ। और ये देखिए ये माचिस के तीली से कितनी बेहतरीन डिजाइन निकल के आ रही है, तो मैंने इसको ना ये माचिस के तीली से डिजाइन डाला है यहाँ पे। और जो पैरों पे साइड पे महावर लगा है, तो इसको भी बस देखिए मैंने ऐसे ही लगा लिया, बिल्कुल भरी पाँव पे, मुझे तो अच्छी लग रही है डिजाइन। तो जिस दिन व्रत होना तो खासकर बहुत ही अच्छा लगता है, और ये महावर लाल है ना, तो लाल महावर बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने डाल लिया है, और ये पायल मैंने ये अभी मैंने पहना, पहले तो मैंने दूसरी पायल पहनी थी लेकिन अभी मैंने इसको पहन लिया। तो ये देखिए माचिस की तीली से भी हम बहुत ही बढ़िया डिजाइन बना सकते हैं। तो ये देखो यार बन गया है डिजाइन, और अब मुझे लगानी है नील, क्योंकि मैंने ना नेल्स को भी अपने रेड कर लिया है, क्योंकि पूरे मैंने महावर लगा लिया है। और मैंने सोचा चलो ऊपर से डबल ट्रिपल कोट करके यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा लूँगी, तो अच्छी तरह से ये कलर निकल आएगा। तो ये देखिए ये ब्लू वाला आज मैं बहुत दिनों बाद लगा रही हूँ, ये देखिए। और जब पैर सज जाता है बहुत प्यारा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक कोडिंग कर दिया है, ये थोड़ा जब सूख जाएगा तो इसको फिर मैं डबल कोडिंग करूँगी। ये देखिए मैंने आज माचिस के तीली से कितना बढ़िया महावर का डिजाइन बनाया है। तो आप लोग को जो पसंद है हमारा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा हमारा आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा।